फूस बाबा। और अपनी तार पतड़ी भी पड़ी है तो काम है आज खेत में भी, काम है आज खेत में भी, तो इसलिए आज शाम को डाल देंगे। ये तार पतड़ी लाया है तो शाम को हम डाल देंगे। कल गिर गया था तो दिनेश जी क्या बोले, बोले अपना घर भी बोलने लगा है, जल्दी हमें सुधारो, बोले हम टूटने वाले हैं, बोले ऐसा बोल रहा था दिनेश जी। ये साल को है ना फ्रेंड्स, बहुत बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, क्योंकि 20 साल के बाद इतना अच्छा बारिश गिर रहा है, क्योंकि हमारे गांव में बारिश गिरता ही नहीं है, थोड़ा बहुत गिरता था, और जो धूप आता है धूप में बहुत पानी की तराश होती। और कुछ और 2000 ऐसे 4000 डाले थे, तो ये ट्रैक्टर देखने के लिए गया है, वो ट्रैक्टर वखर लेने, वखर करने के लिए बोलना भी, वो खेत को वखर करने के लिए, तो कुछ बाजरा वगैरह लाके हम उसमें पहरा देंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आपका स्वागत है मिस्टर दिनेश पवार में। 10:30 बज गए हैं और खाना पानी भी हो गया है। पूजा दीदी, शिवम, रश्मि, शत्रानी और तारिणी तो स्कूल में चली गई है, खाना पानी भी हो गया है, पर दीदी का नहाने का बाकी है। और दिनेश जी तो किधर चले गए हैं, और पानी बहुत सुबह से चल रहा था तो सब भर लिया था, कपड़े लत्ते भी धो लिए हैं। और कल ये बकरियों के लिए घर बना दिया था, बकरिये भी अंदर हम बांध देते थे इसी घर में, और पानी हमेशा गलता था, तो बेचारी बकरियों को भी बहुत तकलीफ होती थी। और ईंटों की भीत बांध लिया है, और बाकी कुछ थोड़ा सा रह गया है तो वो भी बांधने का है। पर जो दीदी है वो घरवाली, ये घरवाली बोलती है, बोले हम देख रहे हैं चलो खेत में, वो कुछ बकरियों डोर बकरियां है वो जंगल में, बोले अपना जंगल पूरा चरवा रहे हैं, बोले कुछ नहीं बाकी रहा है, बोले अपने बकरियां अपने बैल वगैरह किधर जाएंगे, तो उसे कुछ समझाने के लिए चलो बोले सब हम खेत में, तो वो जाएंगे। तो दिनेश जी बोलता है अभी नहीं, बोले थोड़ी देर के बाद जाएंगे खाना बिना खा के, तो उसके बाद जाएंगे। और तार पतड़ी भी कल लाया है, और घर का तो सुधार विधार हो रहा है फ्रेंड्स। और कल हम सुधारी कर रहे थे तो ये जो पत्रा है वो कल गिर गया था, तो दिनेश जी क्या बोले, बोले अपना घर भी बोलने लगा है, जल्दी हमें सुधारो, बोले हम टूटने वाले हैं, बोले ऐसा बोल रहा था दिनेश जी। और अपनी तार पतड़ी भी पड़ी है तो काम है आज खेत में भी, काम है आज खेत में भी, तो इसलिए आज शाम को डाल देंगे। ये तार पतड़ी लाया है तो शाम को हम डाल देंगे। कुछ छितड़ा वगैरह वो पानी बरसे हैं, तो आज का ये साल को है ना फ्रेंड्स, बहुत बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, क्योंकि 20 साल के बाद इतना अच्छा बारिश गिर रहा है, क्योंकि हमारे गांव में बारिश गिरता ही नहीं है, थोड़ा बहुत गिरता था, और जो धूप आता है धूप में बहुत पानी की तराश होती थी, सब डोर बकरियां को लिए और आदमी के लिए, मतलब गांव वालों के लिए तो पूछो ही मत, इसलिए इतना जल्दी टाँकी भी बांध लिया है, पाइपलाइन भी आ गई है हमारे गाँव में, वो पाइपलाइन दिख रही है, क्योंकि पानी की बहुत तरस होती है ना, इसलिए इतना सुविधा हो गया है। पर यह साल बहुत बढ़िया बरसात चल रही है, पर फिर हमारा इसी काम से थोड़ा मन दुखता है कि हमारे खेत में ये साल कुछ भी हम पहर नहीं रहे, क्योंकि दिक्कत हो रही है, इसलिए तो कोई दीदी ने पैसे 2000 डाले थे तो उससे दिनेश जी बोल रहे हैं 2000 और कुछ और 2000 ऐसे 4000 डाले थे, तो ये ट्रैक्टर देखने के लिए गया है, वो ट्रैक्टर वो वखर लेने, वखर करने के लिए बोलना भी, वो खेत को वखर करने के लिए, तो कुछ बाजरा वगैरह लाके हम उसमें पहरा देंगे, क्योंकि बाजरा ही अभी ये टाइम को आएगा, वरना जो कपास सिंगार रहती है
वो टाइम जाने के लिए अभी 8 दिन हो गए हैं, तो अभी सिंगा बाजरी शायद कोई कोई डाल रहे हैं, तो अभी डाल देंगे तो दिवाली के बाद में सिंगा आएंगे, तो बकरियों के लिए थोड़ा पाला वीला हो जाएगा, क्योंकि धूप में हमें बहुत तकलीफ़ होती है इधर उधर भटकाने के लिए। पूजा दीदी का बहुत ये हाल होता है, इसलिए तो कुछ बोलना है दीदी। वाप नहीं है खेत में, तो दिनेश जी गया हुआ है, ट्रैक्टर विक्टर लाएंगे, तब तक हम खाना पीना खाकर और नहाने के लिए 6-7 दिन हो गए हैं। नहा धोकर हम खेत में जाएंगे, रश्मि भी अभी बकरियां लेकर जाएगी और हम आधी एक तास में लेट जाएंगे। तो फैमिली अभी हमारा तो थोड़ा फार अच्छा ही चल रहा है, पर ये घर जो है तो इसको लेपना है और ये सूखेगा उसके बाद में लेपेंगे, और काम तो कुछ भी नहीं बचा है। क्यों नहीं कुछ भी, बहुत सारे काम है, ये भी ऊपर तो हाँ अभी तो खेत में जाने का है, पर अभी तो खेत में हाँ। जाना पड़ेगा, खेत देखेंगे। नहीं खेत में जाएंगे और उधर से आएंगे तभी, पर काम है ना, ये घर का कभी खत्म ही नहीं होगा। हाँ खेत तो अभी वाप लगेगा, तब उनको ट्रैक्टर से वखराएंगे और उसके बाद बाजरा वगैरह पेर के घर के साथी लग जाना है, और घर के साथी इतने दिन गुजर गए वो तो मेहनत करते करते सही में पता भी नहीं चलता है। और फैमिली हमें भूख लग रही है, पहले खाएंगे बाद में नहाएंगे, क्योंकि बहुत कपड़े थे और बहुत अभी भी है, वो धोएंगे और फिर नहाएंगे। सही बात है, और भूख लग रही है। सही बात। और नीलकंठ तो सोया हुआ है, शिवम खा रहा है खाना और ओ माखी तरास दे रही है मक्खी। ओ शत्रानी जाओ ना खाओ ना। आलू की सब्जी बनाई है और घी की रोटी शिवम लड़का हमारा खा रहा है, और घर में भी पानी गिरता है पर किचन का ठीक हो गया है, ठीक हो जाएगा वो तार पतड़ी से तो उतना ही अच्छा रहेगा, वरना खाट वगैरह तो है इधर, खाट रख के बच्चों लोग को डर रहता है, वो क्या बोलते हैं कुछ कीड़ा मकोड़ी रहते हैं, हम उनको बोलते हैं वो फूस बाबा उससे डर लगता है, क्योंकि ये जंगल है, हिरवा हिरवा पास में हो गया है, उससे बहुत डर रहता है फ्रेंड्स। और इधर तो बहुत रहते हैं, 2-3 जन को अभी ये गया वो साल को बहुत डराए थे, बोले वो पाव के पास में ही पास पास से चले जाते थे, बोले ये इतने पास से, तो कोई बात नहीं है। अभी हम खाना पीना खा के थोड़ी देर के बाद खेत में जाएंगे और उधर से आके घर के काम को लग जाएंगे। तो दिनेश जी किधर गए होंगे, नहीं वो ट्रैक्टर लेने के लिए गए हैं। फ्रेंड्स हमारा खाना पानी तो हो गया है, अभी पूजा दीदी ने बकरी अभी छोड़ दिया है और हमारे दिनेश जी भी आ गए हैं। दिनेश जी तो ट्रैक्टर लेने के लिए गए थे, वो वखरने के लिए ट्रैक्टर, तो क्या करके ट्रैक्टर बहुत मानो इधर उधर काम चल रहा है लोगों का, थोड़ा रुका हुआ है बारिश, और हमारा जमीन ऐसा है कि एक दिन में ही ट्रैक्टर हल वगैरह कुछ ना कुछ चलने लगता है, ऐसा हमेशा गीला नहीं रहता है, तो ऐसा हमारा इलाका है फैमिली, तो गांव में मानो किसी में किसी के यहाँ मिला नहीं है, बस चक्कर लाया हूँ और ये अभी भी पड़ा है, और अपना तार पतड़ी भी लाकर पड़ा है, बोल दिया है फ्रेंड्स ट्रैक्टर नहीं मिला तो इसको तो पैक करने ही वाले हैं आज, और तो खेत में भी जाने का है, कुछ थोड़ा काम है, पहले हम खेत में जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो खेत का इलाका है वहाँ पर गाँव की सारी भेड़ बकरी गाय वगैरह लाकर चरा रहे हैं, और वो जो घास रहता है हमारा मानो रोका हुआ, और हम ताबा बना कर रखते हैं तो अच्छे से घास रहता है, हमको वीडियो वगैरह बनाने के लिए अच्छा व्यू लोकेशन लगता है इसलिए, और टाइम समय आने पर हम जो भेड़ वाले होते हैं उनको हम
बेच भी देते हैं, इसलिए हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं। तो अभी हम खेत में जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा खेत का तो कुछ नहीं हुआ है, अभी वहाँ दिमाग लगाएंगे और वहाँ का क्या माहौल है वो निपट कर ये सेट करने के लिए आने वाले हैं फैमिली। तो फ्रेंड्स, हाँ, ज़्यादा लंबा भी वीडियो हो रहा है, इसलिए आप सभी दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खानदेश, नमस्कार।